ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोग होते हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन आप बहुतों को इग्नोर करते हो क्योंकि आपका दिल किसी पे आ जाता है। तो बहुत टाइम के बाद जब ऐसा कुछ हुआ था मेरे साथ, उसके बाद मुझे लगा कि शायद अब दिल वापस से लग नहीं पाएगा, पर उसके बाद ऐसा कोई पसंद आया तो उसके लिए लिखा कि मुझसे मिलना चाहे इतने, मुझसे मिलना चाहे इतने पर मैं मिलना चाहूं तुझसे, कि मुझसे मिलना चाहे इतने पर मैं मिलना चाहूं तुझसे, और मुश्किल लगने लगा था प्यार करना मुझको, और मुश्किल लगने लगा था प्यार करना मुझको, पर जब से देखा तुझको ये दिल धड़कने लगा है फिर से। तो क्या होता है ना कि कभी कभी रिश्तों में हम लोग क्या करते हैं कि इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं, हम देखते नहीं है कि सामने से हमें कितना मिल रहा है। एटलीस्ट अगर किसी रिश्ते में आप 100% दे रहे हो तो 50 तो मिलना चाहिए ना आपको। तो हम लोग ये नहीं देखते, हम करते जाते हैं करते जाते हैं, उसके बाद हमें समझ में आता है कि यार ये कहाँ आ गए हम, है ना, खुद को खो दिया। तो इसीलिए मेरे को लगता है कि कभी कभी ना आजमाना जरूरी है रिश्तों में। तो उस पर लिखा कि कभी कभी गिनवाना भी जरूरी है, कभी कभी गिनवाना भी जरूरी है रिश्तों में, दूसरों को आजमाना भी जरूरी है, कभी कभी गिनवाना भी जरूरी है रिश्तों में, दूसरों को आजमाना भी जरूरी है। और मुंह पर तो अच्छे बनते हैं सभी, मुंह पर तो अच्छे बनते हैं सभी, पर पीठ पीछे कौन क्या बोलता है ये पता लगाना भी जरूरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि पीछे से लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं। तो अब मैं एक लड़की के अंदर क्या फीलिंग्स होती हैं वो बताना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ लड़के होते हैं जो उनको जब पटाना चाहते हैं तब बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं, तब उनको वो सारी चीज़ें मुमकिन लगती हैं जो पहले नहीं हो सकती। फिर वो बाद में आके कहते हैं कि कोई ना कोई बहाना देते हैं कि हम साथ नहीं रह सकते या ये रिश्ता नहीं चल पाएगा। तो वो जो लड़की है, ये उसके दिल की आवाज़ है, वो कह रही है, वो कह रही है कि हाँ जानती हूँ, हाँ जानती हूँ ये साथ जिंदगी भर का नहीं, हाँ जानती हूँ ये साथ जिंदगी भर का नहीं, पर फिर भी ख्वाहिश है कि तुम कुछ पल और ठहरो, कुछ यादें और बनानी है साथ तुम्हारे, तुम थोड़ा और साथ चलने का वादा तो करो। मिलना ना मिलना तो किस्मत का खेल, मिलना ना मिलना तो किस्मत का खेल, पर कोशिश से भी डरना, इसका मतलब तो एग्जाम से पहले ही फेल। प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, ऐसा तुम ही कहा करते थे। ये फिल्मों वाली बातें शायद सिर्फ पटाने के लिए ही किया करते थे, क्योंकि आज जब सच में बात सिमरन का राज बनने की आई है तो तुम दे रहे हो ये सब झूठी गवाहियां। सुनो, जी लूंगी तुम्हारे बिना भी, जी लूंगी तुम्हारे बिना भी, पर रह जाएगा मेरे अंदर कुछ खाली। सुनो, जी लूंगी तुम्हारे बिना भी। थैंक यू। तो उसके बाद ना बहुत टाइम बाद मुझे कोई पसंद आया और मैं उस लड़की को अपने शब्दों में उतारने की कोशिश करता हूँ और मुझे नहीं पता कितना उतार पाऊँगा। तो जब ऐसा हुआ कि वो मेरे सामने आई तो मैं वो मोमेंट मेरे को याद था, तो उसके ऊपर मैंने कुछ लिखा कि एक दिन अचानक उसका ज़िंदगी में आना हुआ, लगा फिर से मेरे पास मुस्कुराने का कोई बहाना हुआ। एक दिन अचानक उसका जिंदगी में आना हुआ, लगा फिर से मेरे पास मुस्कुराने का कोई बहाना हुआ, उसके चेहरे की मासूमियत उसके आंखों की चमक कर गई मेरे दिल पर एक गहरा सा असर। खूबसूरती का तो जवाब नहीं और गुण इतने कि गिनकर समझ आए गिनती में भी वो बात नहीं। तो मैंने ऊपर वाले से कहा काश ये चेहरा मेरे नसीब का हो, काश ये चेहरा मेरे नसीब का हो, अगर ना भी हो तो वो खुश रहे कोई बात नहीं। और जाते जाते दो लाइनें कि फर्क सिर्फ इतना था कि मुझे उसके साथ अच्छा लगता था और उसे सबका साथ अच्छा लगता था। थैंक यू सो मच।